नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरी कुकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दी की सीज़न शुरू हो चुकी है और इस ठंडी ऋतु में गर्मा गर्म स्पाइसी सूप पीने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, आज मैं टेस्टी और स्पाइसी टमाटर का सूप बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो टमाटर, आधा टमाटर ये वाला खट्टा टमाटर और आधा दलदार टमाटर लिया है। और हमें चाहिए शुगर, घी, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च, अदरक, दालचीनी, लविंग, मरीदाना और अजवाइन। सबसे पहले हम टमाटर को 2 पार्ट में काट कर बॉईल कर लेंगे। टमाटर के साथ में ही लाल मिर्च को भी काट कर रख देते हैं। अदरक को भी ग्रेट करके साथ में ही डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। इन तीनों चीज़ों को साथ में बॉईल कर लेते हैं। अब ढक्कन बंद करके 3 विसल कर लेते हैं। स्टोव की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। इस बीच हम मसाले को पीसकर तैयार कर लेंगे। दालचीनी, लौंग, अजवाइन और काली मिर्च को कूटकर पाउडर तैयार कर लेंगे। इसका हमें सुपर फाइन पाउडर बनाना है। मैंने कुकर की 3 विसल कर ली है। अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। टमाटर की स्किन अलग हो चुकी है, मतलब कि टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब टमाटर की स्किन को अलग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर की स्किन हटा ली है। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसे पानी के साथ ही ब्लेंड करना है। अब हम इस प्यूरी को छान लेंगे ताकि टमाटर में से सीड्स अलग कर सके। स्टोव की फ्लेम मीडियम रखकर इस प्यूरी को बॉईल करने रख देते हैं। प्यूरी में फिर से 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। हम अपनी चॉइस के अनुसार कंसिस्टेंसी पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। साथ में ही नमक, शुगर, पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। ये मसाला हम आधा यूज करेंगे, आधा बाद में सीजनिंग में यूज करेंगे। अब इसे बॉईल होने देंगे। 7 से 8 मिनट में तो ये बॉईल हो जाएगा। हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते ही रहना है। बस 7 से 8 मिनट में तो सूप बनकर तैयार हो जाता है। अब हम सीजनिंग कर लेंगे। सीजनिंग करने से सूप का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। सीजनिंग के लिए 1 टेबलस्पून घी को गरम करने रख देते हैं। घी गरम होते ही उसमें हम बचाया हुआ मसाला डाल देंगे। तुरंत ही सूप में मिला लेंगे। अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। तो ये टेस्टी और स्पाइसी टमाटर का सूप तैयार है। इस तरीके से सूप बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करना। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।